हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गौतम बुद्धा के बारे में ऐसी अचंभित बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। गौतम बुद्धा के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि एक फिलोसोफर, आध्यात्मिक शिक्षक थे और उन्होंने कठिन मेडिटेशन की मदद से महानिर्वाणा और मोक्ष प्राप्त किया था, जिससे वह जीवन और मरण के चक्र से बाहर आ गए थे। दोस्तों, बुद्धा का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बालपन में सिद्धार्थ गौतम 7 कदम चले और जैसे ही वह अपने कदम बढ़ा रहे थे, उनके चरण उठाते ही उस जगह पर कमल खिलने लगे। दुनिया में अभी भी कुल 28 बुद्धा हो चुके हैं और 29वें बुद्धा का आना बाकी है। जैसे ईसाई मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट धरती पर लौट आएंगे, बहुत से बुद्धों का ये भी मानना है कि बुद्ध पुनः अवतार लेंगे। वह इस दुनिया में मैत्रेय के नाम से भी जाने जाएंगे। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि साइंटिस्ट सिगमुंड फ्रीड ने जो रिसर्च साइको एनालिसिस में 1898 में करी थी, वह गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही कर दी थी। सोचने की बात है दोस्तों, उस समय में भी गौतम बुद्धा के सोचने का तरीका काफ़ी आधुनिक था। यह बात तो थी बुद्धा के तेज़ दिमाग के बारे में, और अब आइए समझाते हैं कि बुद्धा का शरीर किस तरह से विकसित हुआ था। जैसे उनके कान, उनके सिर, माथे के बीच की वह बिंदी और उनकी लंबी त्रिउंगलियां, हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े कान। दोस्तों हाँ, बुद्धा के बड़े कान थे और ये बुद्ध की जागरूकता को दर्शाते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रत्येक क्षण अधिक से अधिक जागरूक होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा इतने ज़्यादा जागरूक थे कि वे जंगल में चलते हुए भी एक पत्ते हिलने और पशु पक्षियों की आवाज़ से भी परिचित थे। एक बड़ा सिर, उनका बड़ा सिर दर्शाता है उनका ज्ञान, वह ज्ञान जो उन्होंने एकत्रित किया है सैकड़ों वर्षों की भक्ति के बाद। जैसे ही वह किसी के सामने आते, उनके ज्ञान के तेज से ही लोग अचंभित हो जाते हैं। उनके देखने और कुछ ज्ञान बांटने मात्र से ही बुरे काम वाले लोगों के कर्म परिवर्तन हो जाते थे। तो दोस्तों, उनके शरीर की अगली खासियत जो कि है माथे के बीच की एक बिंदी। हाँ दोस्तों, बुद्धा के माथे के बीच में एक बिंदी हुआ करती थी, जो अपने आप में काफ़ी परिश्रम करने के बाद उन्हें सिर पर बन गई थी और वह उनका ज्ञान एवं तेज दर्शाती थी। अगली बात जो हम आश्चर्यचकित करती है वह है कि उनकी लंबी उंगलियां भी थी। बुद्धा के ध्यान का तेज इंसान को जिंदगी के सिद्धांत समझाने में सक्षम है। उनकी दी गई सीख से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। उनकी लंबी उंगलियां ये दर्शाती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को एक साथ ज्ञान दे सकते थे और अपनी ज्ञान बांटने की सीमाओं को अपनी लंबी उंगलियों की तरह वह बढ़ा सकते थे। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं जो उनके पूर्व जन्म की बात करती हैं। ऐसा कहा गया है कि सैकड़ों वर्ष पहले भी इस धरती पर एक बुद्धा आ चुके हैं, वो दीपांकर के नाम से भी जाने जाते थे। एक समय की बात है, दीपांकर बुद्धा सुमेधा नाम के एक व्यक्ति से मिले। सुमेधा एक ब्राह्मण थे जो एकांतवासी हो गए थे। दीपांकर बुद्धा ने सुमेधा से कहा कि भविष्य के युग में वो शाक्य मुनि नाम से बुद्ध बनेंगे। दीपांकर ने उनको यह भी कहा कि आने वाले युग में वह बहुत ही प्रभावशाली शिक्षक बनेंगे और दुनिया के लोगों का उद्धार करेंगे। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि दीपांकर बुद्धा ने उनको आगे के जन्म की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि सुमेधा, तुम आने वाले एक जन्म में गौतम बुद्ध बनकर जन्म लोगे। तुम्हारी माता रानी माया और पिता होंगे सुधोधना। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रबोधन के 40 वर्ष बाद बुद्धा ने अपने पिछले 554 वर्ष की कहानियाँ अपने शिष्यों को बता दी थी।
इन कहानियों का उल्लेख जातका टेल्स नामक किताब में किया गया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।